हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिक रिव्यू में। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की। लाइन को देखकर कैसे पता करें कि ये ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है। जनरली हमारी ट्रांसमिशन लाइन 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी की होती है। तो अब हम बात करते हैं पहले इंसुलेटर की। इंसुलेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिस्क इंसुलेटर और एक होता है पिन इंसुलेटर। जहाँ पर दो पोल होते हैं उसे डीपी बोलते हैं। तो एक एक फेस में एक एक डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है, मतलब ये 11000 की लाइन है। डिस्क इंसुलेटर या तो आपको डीपी पर मिलेंगे या फिर आपको टेपिंग चैनल पर मिलेंगे। बाद अगर आप वाई क्रॉस पर देखेंगे, वी क्रॉस पर, तो उस पर आपको पिन इंसुलेटर छोटा दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप 33 केवी की लाइन के नीचे जाएंगे तो उस पर आपको पर फेस पे तीन तीन डिस्क इंसुलेटर लगे मिलेंगे, यानी कि आर, वाई और बी तीनों फेस पर आपको तीन तीन डिस्क इंसुलेटर लगे मिलेंगे। उसके बाद अगर आप वी क्रॉसिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पिन इंसुलेटर बड़ा मिलेगा। अब हम बात करते हैं 66 केवी लाइन की। तो 66 केवी लाइन हमारी टावर के ऊपर होती है और इसमें हमारे दो प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो वर्टिकल में होते हैं और एक होता है स्ट्रेन पाइप इंसुलेटर जो ओरिजेंटल में होते हैं। तो हमें वर्टिकल से और ओरिजेंटल से दोनों से पता लगाना होता है कि 66 केवी की लाइन है या उससे ज़्यादा की लाइन है। तो 66 केवी लाइन में हमारे डिस्क इंसुलेटर जो वर्टिकल में होते हैं वो 5 मिलेंगे और ओरिजेंटल में जो होंगे वो 6 पीस मिलेंगे, यानी कि 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 132 केवी की लाइन। 132 केवी की लाइन में नंबर ऑफ डिस्क वर्टिकल सस्पेंस में हमारे 9 होंगे और ओरिजेंटल में हमारे 10 देखने को मिलेंगे। प्रकार 220 केवी में भी हमें डिस्क नंबर ऑफ डिस्क वर्टिकल में हमें 15 देखने को मिलेंगे और ओरिजेंटल में हमें 16 देखने को मिलेंगे। 400 केवी में भी वर्टिकल में हमें 30 डिस्क मिलेंगे और ओरिजेंटल में हमें 31 मिलेंगे। 765 केवी में हमें वर्टिकल में डिस्क मिलेंगे 57 और ओरिजेंटल में हमें मिलेंगे 58। तो दोस्तों, इस प्रकार हम पता करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।